चलो ठीक है, सारा मांग लो, हम इसको इससे मिलके जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आए हम घर, बिना खाए पिए हम चले गए हैं अब आगे। या तो दोस्तों एक बार फिर से अपनी बेकरी दिखाते हैं, रावत बेकरी जो कि है वेरी खाल में। तो दोस्तों कल रात को ब्लॉग नहीं बना पाई और अभी मॉर्निंग, जल्दी आना ठीक है, फिर साथ में हम ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घर, पीछे थे तुम्हारे, जल्दी मिलेंगे पागल। नमस्ते प्रणाम, तो कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव डुमेला मल्ला। तो मामा जी ने बिल्कुल एकदम ना मस्त से नाश्ता उस्ता बना लिया है यहाँ पे और अब हम करेंगे यहाँ पे नाश्ता। और ये हमारी दीदी जी आ गई रे, दीदी बोलिए, अभी मैंने बाल नहीं बनाए, ये तो सुंदर हो कि तब भी ऐसे बोलते हो। बाकी अभी चलिए मामा जी आ रहे हैं और मामी जी गई है अभी छन्नी में और हमें जाना है ठीक खाली ढैया, वहाँ पे आएगी हमारी गाड़ी तो वहाँ से फिर हम चलेंगे बीरो खाल की। और यहाँ पे देखिए हमारे मामा जी इतने प्यार से हमें, मामा जी ने बनाई है खुद रोटी सब्जी कद्दू की, अभी आपको बताएंगे मामा जी ने क्या क्या बनाया स्पेशल। तो दोस्तों देखिए मामा जी ने ना आलू नहीं पनीर, मटर पनीर की सब्जी और ये है कद्दू की सब्जी और ये है क्या बोलते हैं चटनी और ये है रोटी, एकदम मस्त है, स्वाद आ रहा ना। दीदी कैसा बना है, फिर दिल्ली चले जाओगे फिर गांव की याद आएगी, वीडियो देखते रहना कोई बात नहीं ठीक है। हाँ और मामा जी देखिए चाय पियो, चाय वाला ऐसे बता दो, किस किस के मामा जी ऐसी सेवा करते हैं हमें करनी चाहिए पर हमारे मामा जी हमारी सेवा करते हैं। मामा जी चाय भी ले आए हैं और एकदम से देखिए सुबह सुबह चटनी भी बना दी है। तो थैंक यू सो मच मामा जी, इतना प्यार करने के लिए, इतनी चीजें खिलाने के लिए, मोटे हो गए हम तो अब कलामी लगाएंगे तुम्हारे हैं। चलो दोस्तों करते हैं नाश्ता फिर मिलते हैं आपको हम। मूली तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में रिवाज है कि जो भी मेहमान पहली बार तो क्या जाता है, टीका पिठाई तो हमेशा लगती है और जो बड़ों का प्यार है आशीर्वाद है वो मिलता है। कुछ नहीं मैं क्या करूं। तो दोस्तों पहाड़ों में ये पहाड़ों का रीति रिवाज है कि जब भी कोई भी मतलब जाता है तो जाते वक्त टीका पिठाई लगती है और हम छोटों को ना प्यार मिलता है, ये वाला प्यार, मोमोज खाने के लिए, चाउमीन खाने के लिए। थैंक यू मामा मामी जी, आपका बहुत प्यार मिला, थैंक यू। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, चलो ठीक है, जाओ बेटा जाओ, आराम से करें काम, बाय, चलो ठीक है बेटा, बाय बाय बाय। बाय।
तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं खाली ढैया, और जब भी आप कालिका मंदिर आओगे तो यहाँ पे भैया की दुकान में जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट मोमोज मिलते हैं। और ऊपर है माता रानी का मंदिर, वो देखिए। तो कल माता रानी के मंदिर से तो आ गए, और अब हम जाएंगे सीधा बीरोखाल टिमेला। हो फिर उसके बाद देखते हैं, क्या पता आगे आगे कई दीदी लोगों को घुमाने ले चले। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जय माँ भगवती कालिका, जय ओ। हेलो कारा जरा। दोस्तों अपने स्कूल के दिन याद आ गए यार इनको देख के, और हमारी गाड़ी भी आ गई है, और अब हम इसमें चलेंगे बीरोखाल। मशीन वालों ने और किसने, खान साहब ने गेरा, और क्या नाम है तूने डाला, और ट्रैक्टर वाले किस किस। तो गाइस चलते हैं अब अपने बीरोखाल की ओर। बहुत खतरनाक रोड है, धक्के खाते पहुंचने हम बीरोखाल। दोस्तों स्पेशल हम ना प्रिया दीदी का घर देखने के लिए यहाँ पे उतरे हैं। तो प्रिया दीदी का घर है यहाँ पे, ये देखिए गेट के ऊपर दिख रहा है। तो अब हम चलेंगे टैक्सी की ओर। टैक्सी को रुका रखा है वहाँ पे, चलो। रोना नहीं है, ये रो रहे। फाइनली बीरोखाल पहुंच गए। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने गांव में। आए हाय क्या सुकून है ना यहाँ, तो क्या ही बताऊं। तो चलते हैं जल्दी से घर। हाय तो दोस्तों अभी आए हम घर, बिना खाए पिए हम चले गए हैं आगे यात्रा में। तो हम जा रहे हैं कालू को मिलने, जो मेरे साथ रोज ब्लॉग में आती है। तो मैंने कहा चलो दीदी आपको घुमा के लाती हूँ, है ना। मैं कालू के यहाँ जा रहे हैं हम बेदिखाल, तो देखते हैं आज वहीं पे रुकेंगे या फिर आएंगे वापस। तो चले चलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हम बैठ गए हैं बस में, और अब हम जा रहे हैं बेदिखाल की ओर। ये हमारा बीरोखाल मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए होली खेल रहे हैं, पता नहीं कहाँ के हैं बट हमें बैरों में मिले। दीदी यहाँ चलो नहीं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं बेदिखाल के लिए, और यहाँ की रोड बहुत ही खतरनाक हो रही है, ये देखो। तो दोस्तों ये है कालू, आपने बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग में नहीं देखी होगी। हेलो मैडम। नमस्ते। और यहाँ पे हमारी मौसी जी नमस्ते। नमस्ते।
और ये हमारी कालू की बेकरी, रावत बेकरी, जो कि हमारी है बेदीखाल में। सेवा का मौका दे, केक पेस्ट्री। यहाँ पे देखिए सीना खड़ा है क्यों कालू? अरे घूम रही हूँ, गोरी है वो। गाइस ये बंदू सबका नंदू ये उठ गई है और हमने धो लिया है। कैसे हो गए, पागल हो गए हम तो। अब हम खाना खाएंगे, ठीक है गाइस? तो ठीक है, बाय बाय, बाद में मिलते हैं आपको, ठीक है? तो दोस्तों कल रात को व्लॉग नहीं बना पाई और अभी मॉर्निंग में ना 8:30 बस आने वाली है, तो बस में जा रहे हैं और कालू यहीं रहेगी, कुछ दिन बाद आएगी वो होली के बाद ना। आई मिस यू बेबी, जल्दी आना, ठीक है? फिर साथ में हम व्लॉग बनाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि कल दीदी लोगों ने चले जाना है, तो इसलिए अभी जा रहे हैं हम घर बेदीखाल से बीरोखाल। कुछ बोलना चाहती हूँ? नहीं, आई मिस यू। सब्सक्राइबर याद कर रहे हैं तुझे? मैं सब्सक्राइबर, जल्दी मिलेंगे, बोलो जल्दी मिलेंगे, बाय। तो दोस्तों एक बार फिर से अपनी बेकरी दिखाते हैं, रावत बेकरी जो कि है बेदीखाल में, तो जरूर आना। ये देखिए अभी मार्केट भी खुला नहीं है क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है। कुछ नहीं बनाया, सब पुराना। नहीं गाइस, बर्थडे का डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे सब है, मेरे बर्थडे में आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये सब ओके गाइस। ओके गाइस, ठीक है। कुछ बोलना चाहते हो? हमारी रावत बेकरी। हेलो, हेलो भाई, भाई मेरी जान।